गुड मॉर्निंग। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आज सुबह का मौसम दिखा देता हूँ। देखिए चारों तरफ कैसे कोहरा लगा हुआ है। दिसंबर का महीना आ चुका है और कड़ाके की ठंड आ चुकी है, स्वागत कर चुकी है कड़ाके की ठंड हमारा। ऐसा नहीं है धूप नहीं आई है, धूप आ चुकी है, सूरज उदय हो चुका है। ये ऊपर टॉप वाले में देख सकते हैं आप, सूरज की रोशनी दिख रही है और बाकी नीचे पूरा कोहरा छाया हुआ है। ये देख सकते हैं इधर भी पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो अभी अभी मैं रेडी हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, फिर यहाँ से 8:30 बजे निकलूँगा ऑफिस के लिए। उसके बाद आपको दिखाता हूँ पूरे दिन की दिनचर्या क्या है। ये देखिए पूरा मौसम पैक है। ये सामने SGARR का स्कूल है। चलिए अभी मैं भी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। टाइम हो चुका 8:40, 9 बजे ऑफिस की टाइमिंग है। तो मिलता हूँ अभी आपको सीधे टनल में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी ऑफिस में। अभी देख सकते हैं आप चारों तरफ कहीं भी धूप नहीं लगी हुई है। ये देख सकते हैं सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है आज के दिन का। नदी के उस पार पहाड़ की चोटियों में सुनहरी धूप खिल चुकी है और थोड़ी देर में नदी के लेवल तक भी धूप आ जाएगी। लेकिन नदी के इस पार यानी जहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ शाम तक सनसेट के टाइम तक भी धूप बिल्कुल नहीं खिलती है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर यही हाल होते हैं। अब हम लोग टनल में एंट्री कर चुके हैं और हम लोग सबसे पहले आए हैं ET2 के फेस में। और यहाँ सामने आप लोग देख रहे हैं एक टनल के अंदर ही एक और टनल है जिसे हम ER नाम से जानते हैं। ER यानी कि इलेक्ट्रिकल रूम, जिसकी टोटल लेंथ 30 मीटर होती है और इसमें पूरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे जाएंगे। ये है हमारा ET2 का फेस और इसमें आप लोग देख सकते हैं एक काफी लंबे पैद तक वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को इंस्टॉल कर दिया गया है और सामने से इस तरफ की ओर लाइनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ सामने ओवर द इन्फोर्समेंट बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। ये जो पैद तैयार हो रहा है ये नेक्स्ट लाइनिंग का पैद तैयार हो रहा है। ये जो मेम्ब्रेन में आप लोग कट देख रहे हैं इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस पोर्शन में हमें वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को कट करके एक पीस को एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ से मेम्ब्रेन को हटा करके एक फ्रेश मेम्ब्रेन का पीस यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर हमें मेम्ब्रेन में एक भी होल या एक भी डैमेज कहीं दिखता है तो हमें उसे तुरंत रेक्टिफाई करना होता है। हम उस होल को या उस डैमेज को वैसे नहीं रख सकते हैं। यहां से हम लोग अब जा रहे हैं मेन टनल की तरफ।
ये है हमारा इलेक्ट्रिकल नीच और यहाँ आप देख रहे हैं ये किकर का कंक्रीट कंप्लीट हो चुका है, सेटरिंग को निकालना बाकी है। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करने के बाद उसे वापस से टेस्ट किया जाता है, जिसे हम सीम टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें तो सीम टेस्ट हो चुका है, पर इसके बाद मैं जाऊंगा ET2 के फेस में और वहां पर हम लोग करेंगे सीम टेस्ट। कंक्रीट देख रहे हैं, ये है नो फाइन कंक्रीट। इसे सेमी परफोरेटेड पाइप को कवर करने के लिए किया जाता है, उसके बाद ही किकर को इंस्टॉल किया जाता है सेमी परफोरेटेड पाइप के बाहर से। नो फाइन कंक्रीट मींस लाइट वेट कंक्रीट, इट इज़ मेड ऑफ ओनली कोर्स एग्रीगेट। दूसरे शब्दों में कहें तो हम नो फाइन कंक्रीट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ कॉन्क्रीट दैट डज नॉट कंटेन फाइन एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट मिक्सचर। ये देखिए, इस तरीके से टनल के अंदर के सीपेज को सेमी परफोरेटेड पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। ये जो पाइप होता है ये सेमी परफोरेटेड पाइप होता है, इसमें एक तरफ तो होल होते हैं और दूसरी तरफ बिना होल के होता है, इसीलिए इसे सेमी परफोरेटेड पाइप कहा जाता है। सेमी परफोरेटेड पाइप को जियो टेक्सटाइल के द्वारा कवर किया जाता है और जियो टेक्सटाइल मेम्ब्रेन का काम होता है पानी को सोकर इस सेमी परफोरेटेड पाइप के अंदर डालना। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पूरे सेमी परफोरेटेड पाइप हैं। ये देख सकते हैं आपका हमारा एक साइड में ये परफोरेशन है और इसके दूसरी साइड में नहीं होगा, ये देख सकते हैं दूसरी साइड ऐसा है। तो ये वाली साइड हमारी बॉटम की तरफ आएगी और ये वाली टॉप की साइड, और जिससे कि पानी यहाँ से अंदर जाता है इन पोर्शन से, इन पोर्स से अंदर जाता है पानी और नीचे की साइड हमारा कोई, इसीलिए हम इसको सेमी परफोरेट कहते हैं, क्योंकि एक साइड हमारे होल हैं और दूसरी साइड बिना होल का है। ये जो लेवल है हमारा, ये हमारा लगेगा ट्रेन का लेवल, इस लेवल पे हमारी ट्रेन चलेगी, ये लेवल दिया गया है, ये हमारा रेल लेवल है और इतना अभी बाकी काम होना है, यानी कि अभी हम यहाँ हैं, इस देख सकते हैं आप, इस लेवल तक अभी बाकी इतना पेंडिंग काम है। अभी हम इस लेवल में करीब आधा मीटर पौने मीटर नीचे हैं रेल लेवल से। अभी जा रहा हूँ मैं ET2 की तरफ, यहाँ पे जो हमारी वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है उसकी सीप टेस्टिंग की जाएगी, और हमारे साथ आए हैं क्वालिटी मेगा की तरफ से क्वालिटी के इंजीनियर हैं और हमारी एकॉम की तरफ से भी इंजीनियर हैं साथ में, तो हम लोग अभी सीप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन को टेस्ट करते हैं। चलिए, ये है लीक टेस्टर, इसमें एक नीडल हो लगी होती है और नीडल वाली साइड से वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन में पिन किया जाता है और साथ ही एक मैनुअल पंप के द्वारा इसमें प्रेशर दिया जाता है
जो कि मैक्सिमम 2 बार प्रेशर इसे दिया जाता है, और इस लीक टेस्टर को 5 मिनट तक हम ऐसे ही रखते हैं। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन के अंदर ये देखा जाता है कि जो ये स्ट्रिप है, ये आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा प्रेशर जाना चाहिए, यानी कि जो 2 बार का प्रेशर हमने इसे दिया है वो एक छोर से दूसरी छोर तक जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 20% लॉस तक हम एप्लीकेबल मान सकते हैं, यानी 20% लॉस अगर हमारा एयर प्रेशर होता है तो तब भी हमारा जो वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है वो पास है, यानी कि टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। 2 बार प्रेशर देने से अगर हमारी मेम्ब्रेन में कहीं भी कोई लीकेज होगा या कोई होल होगा तो वो जो प्रेशर होगा वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2 बार से नीचे आ जाएगा, 1.8, 1.6, 1.5, 1.6 तक अगर हमारा प्रेशर कम होता है, यानी कि 2 बार से 1.6 होता है तब भी हमारा मेम्ब्रेन टेस्ट सक्सेसफुल है, लेकिन 1.6 से अगर नीचे आ जाता है तो हमें मेम्ब्रेन को रिमूव करना होता है और नया जो फ्रेश मेम्ब्रेन है उसे इंस्टॉल करना होता है। 5 मिनट बाद जब हम चेक करते हैं निडिल में, जो हमारा लीक टेस्टर है इसमें प्रेशर को चेक करते हैं, तो अभी भी प्रेशर 1.85 के करीब है, यानी मेम्ब्रेन जो है हमारी वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन में हमारी कोई लीकेज नहीं है और हमारा जो सीम टेस्ट है ये सक्सेसफुल रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन में टेस्ट करेंगे। सक्सेसफुल हो गया भाई टेस्ट। अभी मैं टनल से बाहर आ चुका हूं, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।